हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर विपिन एंड टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक गवर्नर. गवर्नर जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो बिल्कुल ही सेम एज इट इज़ हमारे प्रेजिडेंट जैसा है. लाइक जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था विधानसभा विधान परिषद, आज हमारा टॉपिक है गवर्नर. जो गवर्नर हैं बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया है कि जो गवर्नर काम करते हैं बिल्कुल आपके सेम प्रेजिडेंट जैसा काम करते हैं. अब प्रेजिडेंट जो हैं वो सेंटर लेवल पर काम करते हैं और जो गवर्नर हैं वो हमारे स्टेट लेवल पे काम करते हैं. ठीक है, अब जो गवर्नर हैं, गवर्नर को बोला जाता है द चीफ हेड ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट. क्लियर. एंड जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट को बोला जाता है नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट. क्लियर. अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं गवर्नर के बारे में. गवर्नर को बोला जाता है चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट. अब एग्जीक्यूटिव वर्ड का मतलब क्या है? एग्जीक्यूटिव वर्ड का मतलब है लाइक जो चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी वो गवर्नर की हेल्प से ही होंगी वो स्टेट में. क्लियर. एंड नॉमिनल हेड क्यों बोला जाता है? नॉमिनल हेड है एक्चुअली प्रेसिडेंट को बोलते हैं हम सिर्फ नॉमिनल हेड क्योंकि सिर्फ इनको टाइटल है कि ही इज हु इज द हेड ऑफ स्टेट. द आंसर इज प्रेसिडेंट. अगर उन्होंने एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट, देन आंसर इज गवर्नर. क्लियर. अब गवर्नर बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए? बिल्कुल सेम एज इट इज जैसे हमने लोकसभा राज्यसभा विधानसभा विधान परिषद में डिस्कस किया है, बिल्कुल सेम क्वालिफिकेशंस चाहिए. अगेन वही सेम चीज, सिटीजन ऑफ इंडिया. ठीक है, यहाँ पे एज फैक्टर का क्वेश्चन आता है मैक्सिमम टाइम. तो एज हमें मिनिमम एज जो चाहिए होती है गवर्नर बनने के लिए डेट इज 35 ईयर्स ऑफ एज. क्लियर. तो 35 ईयर्स ऑफ एज चाहिए हमें. ठीक है, एंड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए एंड अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए. क्लियर. एंड जो क्वालिफिकेशन होगी है एंड इसको जो हमारे गवर्नर हैं, गवर्नर को अपॉइंट कौन करते हैं? गवर्नर को जो अपॉइंट करते हैं वो हमारे करते हैं गवर्नर को अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. क्लियर. एंड नेक्स्ट इज द ओथ. अब ओथ मतलब शपथ. शपथ कौन दिलाते हैं? लाइक जैसे हमने डिस्कस किया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ऐसे ही गवर्नर को जो ओथ दिलाएगा वो कौन दिलाएंगे? चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, दैट मींस हाई कोर्ट. तो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो गवर्नर को ओथ दिलाएगा. क्लियर. अगर इन्होंने रिजाइन करना तो रिजाइन किसको देंगे? ये रिजाइन देंगे सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को. क्लियर. ठीक है, अब हमारी गवर्नर्स के लिए एक अमेंडमेंट हुई थी, दैट वाज अ सेवंथ अमेंडमेंट 1956. ठीक है, अब इस अमेंडमेंट के दौरान क्या बोला गया था कि अगर हमारी कोई एक स्टेट है, ठीक है, या दो स्टेट्स हैं हमारी, या एक यूनियन टेरिटरी है, मतलब कहने का मतलब एक स्टेट, दो स्टेट, तीन स्टेट, चार स्टेट और मैक्सिमम स्टेट्स हो सकती हैं, यूनियन टेरिटरी भी हो सकती है, उनका एक कॉमन आपका गवर्नर हो सकता है, कॉमन गवर्नर. ठीक है, कॉमन गवर्नर हो सकता है. उसके लिए कौन सी अमेंडमेंट हुई है हमारी? सेवंथ अमेंडमेंट 1956. क्लियर. फॉर एग्जांपल पंजाब एंड हरियाणा, तो दो स्टेट्स हैं एंड चंडीगढ़ इज अ यूटी देयर. ठीक है, तो वहां पे एक ही हमारे गवर्नर हैं. क्लियर. एंड नेक्स्ट, अगर इनके इलेक्शंस के बारे में पूछा जाए तो इनके इलेक्शंस नहीं होते. ठीक है, लाइक जैसे हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं, हमने डिस्कस किया था प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करते हैं? ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ ऑल द विधानसभास. ठीक है, और उसमें जो आपकी दो यूनियन टेरिटरीज भी आती हैं दिल्ली और पुडुचेरी. बट गवर्नर के केस में ऐसे कुछ भी नहीं है, गवर्नर्स को सिर्फ अपॉइंट किया जाता है और गवर्नर्स को अपॉइंट कौन करता है? ओनली प्रेसिडेंट. क्लियर. एंड इसके बाद है इनकी पावर्स के बारे में. इनकी जो पावर्स हैं बिल्कुल सेम एज इट इज़ जैसे हमारी प्रेसिडेंट की पावर्स हैं वही सेम है. बस आंसर जहाँ पे आपका सेंटर वाला हमने प्रेसिडेंट के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है हमारे प्रेसिडेंट. ठीक है, अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाए स्टेट के लिए, स्टेट में हम इस पर्सन को बोला जाता है एडवोकेट जनरल ऑफ
स्टेट, तो यहां पे कौन अपॉइंट करेंगे? गवर्नर, ठीक है। अब लाइक जैसे यूपीएससी है, ठीक है, यूपीएससी के मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है? हमारे प्रेसिडेंट। ऐसे ही हमारा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसको कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर। कहने का मतलब ये है, जहां पे इंडिया वर्ड आता जाएगा वहां पे सभी लोगों को अपॉइंट करते जाएंगे प्रेसिडेंट, जहां पे स्टेट वर्ड आता जाएगा वहां पे अपॉइंट करते जाएंगे हमारे गवर्नर्स। क्लियर? एंड द नेक्स्ट वन इज, द नेक्स्ट थिंग इज कि लाइक जैसे हमने डिस्कस किया था, जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट आपके लोकसभा में, लोकसभा में दो लोगों को अपॉइंट करते हैं, दो लोगों को नॉमिनेट करते हैं, वो दो नॉमिनेट करते हैं एंग्लो इंडियन, जो एंग्लो इंडियंस होते हैं वो, ठीक है। एंग्लो इंडियंस हमने डिस्कस किया था, एंग्लो इंडियंस का मतलब क्या है? हमारे ब्रिटिश इंडियन और यूरोपियन इंडियंस, ठीक है, ब्रिटिश इंडियन। अब ऐसे ही सेम जो गवर्नर है, गवर्नर भी हमारे विधानसभा में अपॉइंट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, ये नॉमिनेट किसको करते हैं? एक मेंबर को, नॉमिनेट वन मेंबर, और एक मेंबर ये कौन होता है आपका? सेम एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन। क्लियर? तो सेम है ये चीज, जैसे प्रेसिडेंट लोकसभा में दो लोगों को नॉमिनेट करते हैं एंग्लो इंडियंस को, ऐसे ही गवर्नर विधानसभा में किसको नॉमिनेट करते हैं? वन एंग्लो इंडियन को। क्लियर? अब प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट हमारे राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं, ठीक है, और 12 लोगों के नॉमिनेशन में मैंने आपको बताया था एक शॉर्टकट क्लास वर्ड से, ठीक है। तो ये चीज़ वही सेम रिपीट करनी है हमने, यहाँ पे हमने सी वर्ड को याद नहीं किया था, एल फॉर लिटरेचर, ए फॉर आर्ट्स, एस फॉर साइंस और एस फॉर सोशल सर्विस। क्लियर? अब यहाँ पे जो गवर्नर है हमारे, गवर्नर, गवर्नर जो गवर्नर अपॉइंट करेंगे हमारे, वो विधान परिषद में नॉमिनेट करेंगे इन लोगों को, विधान परिषद में। अब विधान परिषद में कितने लोगों को नॉमिनेट करते हैं? 1/6 मेंबर ऑफ विधान परिषद, 1/6 मेंबर विधान परिषद के कौन नॉमिनेट करते हैं? हमारे गवर्नर, ठीक है। अब ये 1/6 नॉमिनेट कौन से होते हैं, किस फील्ड से होते हैं? ये वर्ड सेम, यहाँ पे अगेन क्लास वर्ड से हमने डिस्कस करना है, क्लास वर्ड से सी वर्ड यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। क्लियर? बाकी सेम चीज़ है, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस, जो हमने यहाँ पे लिखा है। क्लियर? तो गवर्नर जो है नॉमिनेट करते हैं 1/6 मेंबर विधान परिषद में, और गवर्नर नॉमिनेट करते हैं 1 एंग्लो इंडियन इन विधानसभा। क्लियर? बाकी जो चीज़ है वो सेम चीज़ है, लाइक जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया था, जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो मीडिएटर हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर में और साथ के साथ हमारे प्रेसिडेंट में, ठीक है। तो सेम एज इट इज़, जहाँ पे जो है हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, जो स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, वो मीडिएटर किस में होंगे? सीएम एंड गवर्नर में, ठीक है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को नॉमिनेट हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं सेंटर में। तो यहाँ पे स्टेट में कौन नॉमिनेट करेगा? आपके चीफ मिनिस्टर, और इनको अपॉइंट कौन करेगा? स्टेट में गवर्नर, और सेंटर में हमारे प्रेसिडेंट। क्लियर? हमने एक अमेंडमेंट हुई थी, 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट के दौरान क्या था? 42nd अमेंडमेंट के दौरान बात हुई थी कि जितने भी काम होंगे प्रेसिडेंट करेगा ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। बट इसके रिगार्डिंग जो हमारे गवर्नर हैं, तो ये गवर्नर के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला गया कि हाँ जो गवर्नर हैं वो काम करेंगे आपके ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट, ये कोई बात नहीं बोली गई। ये सिर्फ अमेंडमेंट जो है हमारी प्रेसिडेंट के केस में लागू होती है। क्लियर? अब लाइक जैसे अगर देखना हो, हमने नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी डिस्कस किया था, उसमें एक वर्ड था कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी क्यों लगती है? जब अगर सपोज करो कि आपकी स्टेट में अगर कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से काम नहीं हो पा रहा, तब जाके हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगती है। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी बताता कौन है? कौन हमारे प्रेसिडेंट को बताता है कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से काम नहीं हो रहा? वो गवर्नर बताता है, क्योंकि गवर्नर जो है वो अपॉइंट किसके द्वारा किया जा रहा है? हमारे प्रेसिडेंट द्वारा। और गवर्नर जो है वो सारी की सारी डिटेल्स हमारी स्टेट की प्रेसिडेंट को बताता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है, आज है हमारा गवर्नर का टॉपिक डिस्कस हुआ है। तो अगर इसमें आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करना, एंड थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।